बिहार के औरंगाबाद में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है। बीते शनिवार से लेकर बुधवार तक 11 लोगों की जान गई है, जिसमें सिर्फ 5 लोगों की शराब पीने से मौत की पुष्टि की गई है। जिसमें शनिवार को 3 की मौत हुई, जिसमें से 2 लोगों की पुष्टि हुई है, जबकि मंगलवार को 5 लोगों की मौत में से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं आज बुधवार को भी 3 मौत हुई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। वहीं बुधवार को 3 लोगों की मौत की सूचना से मदनपुर के आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई है। हालांकि इलाज के लिए सभी को शेर घाटी में भर्ती कराया गया है। वहीं मरने वालों में खिरियावा निवासी विनय कुमार गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता, कटिया निवासी मनोज यादव और बेरी निवासी रविंद्र सिंह शामिल है, जबकि चौधरी मोहल्ला निवासी धनंजय चौधरी, बेरी निवासी निजाम, बेरी निवासी सुबोध सिंह उर्फ बुट्टू सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज चंडी स्थान अस्पताल में चल रहा है। इधर मदनपुर में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत को लेकर समाज सेवी प्रमोद सिंह ने कहा कि वास्तविक मौत के आंकड़ों को जिला प्रशासन द्वारा छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। जितनी भी मौत संदिग्ध अवस्था में हो रही है, सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि वास्तविकता सामने आ सके। में हूँ यहाँ इस क्षेत्र के आसपास के हर गांव में लोग ग्रसित हैं और मौतें हुई है। करीब करीब अभी तक 11 लोग का मौत हो चुका है, लेकिन सरकारी आंकड़ा में पुष्टि इसलिए नहीं हो रही है कि लोग पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है कि घर वाले डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। उनको पुलिस प्रशासन द्वारा फोन करके कहा जा रहा है कि आप लोग पोस्टमार्टम मत कराओ, लाश को जलाओ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन अपना नाकामी को छिपाने के लिए ऐसा कृत्य कर रही है। यदि पहले से जागृत होते तो क्षेत्र में अवैध कारोबार नहीं बढ़ता शराब का, और इतनी मौतें नहीं होती। और अब प्रशासन जागी है, और उसमें भी बेगुनाहों को, जो बेगुनाह हैं, उनके यहाँ छापा मार मार करके आंकड़ा बताने के लिए थाना में लोगों को ले जा रहे हैं, जो शराब बेचने में संलिप्त नहीं है। सिर्फ उनको आंकड़ा बताना है और अपने नाकामी को छिपाने के लिए ये कृत्य कर रही है पुलिस। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, और यदि यही स्थिति रहा और इस पे पोस्टमार्टम कराने के नहीं कराती है पुलिस, तो हम रोड पे उतरेंगे और लोगों के साथ जन आंदोलन करेंगे। लाश को लेकर के हम रोड पे उतरेंगे। अब ये बच्चों को कौन देखेगा, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं इसके लिए सरकार से इन लोगों को मुआवजा का मांग करता हूं कि जितने भी मृतक हैं इस क्षेत्र में, मरे हैं सब जहरीली शराब पीने से, उनको सरकार मुआवजा दे और इन बच्चों को भरण पोषण का साधन उपलब्ध कराए। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।